मैं इस वक्त जेपी मेहता नगर निगम इंटर कॉलेज के पोलिंग बूथ पर हूँ। एक आदर्श पोलिंग बूथ है और यहाँ पर आज सुबह से ही मतदान की जो रफ्तार है वो बहुत अच्छी है। आप मेरी बाई तरफ देख सकते हैं, अब भी लंबी कतार मतदाताओं की लगी हुई है और यही तस्वीर हमने आज सुबह 7 बजे से देखी है। बहुत कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है, दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष इंतजाम है, दिव्यांग मित्रों को यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एस राजालिंगम हैं, जिन्होंने खुद देखरेख की है और प्लानिंग की है यहाँ पर चुनाव की। पहला सवाल ये है कि व्हाट इज़ द इनपुट, अभी तक जो आपने तैयारी की थी क्या आपको अभी तक इनपुट मिला है? अब तक का बहुत अच्छा इनपुट है, लगभग 10% ऑन एन एवरेज हर बूथ पे वोटिंग की जो पेस है वो चल रहा है। क्यू भी अच्छी है और हमने भी वोटर के ये गर्मी के दृष्टिगत कई सारे फैसिलिटीज़ हमने प्रोवाइड किया है, उसमें बेसिक पेयजल और नींबू पानी और मट्टा की व्यवस्था भी हमने किया है। साथ साथ जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं और हमारे दिव्यांग मतदाता है उनके लिए वॉलंटियर्स अवेलेबल है, उनके लिए व्हीलचेयर फैसिलिटीज़ अवेलेबल है और वो सीधे क्यू, सेपरेट क्यू है, वो सीधे जाके वोट डाल के प्रेग्नेंट वीमेन भी उसमें सम्मिलित है, वो सीधे जा सकते हैं। शेड में काफ़ी जोर दिया गया, इस बार शेड की व्यवस्था हमने किए हैं, हम भी लगातार ब्रह्मनशील हैं। सो लोगों को ये गर्मी से कितनी राहत दे सकते हैं वो पूरा हमने प्रयास किया। हम इस वक्त एक शेडेड एरिया के नीचे हैं और मेरे बाई तरफ पवन आपके आप दिखाएं अगर कि ये जो पूरा रूट है जहाँ से करीब 70-80 मीटर चलकर मतदाताओं को यहाँ पर आना होता है, उस पूरे रूट को शेड किया गया दोनों तरफ से। अब इस बाई तरफ से भी है, दाई तरफ से भी है और हम जहाँ पर खड़े हैं यहाँ भी शेडेड एरिया है। सवाल मैं इसलिए पूछ रहा था कि 2 दिन पहले वाराणसी में अब तक का दूसरा सबसे अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया और बहुत चिंता थी चुनाव आयोग में कि क्या इस बार जिस तरह से हीट वेव फिर से आ रहा है उसका कितना असर होगा वोटिंग पे, पर उम्मीद से अच्छी रफ्तार दिख रही है। नहीं, टेम्परेचर कल भी ज़्यादा ही था बट हमने उसको कंसिडर करके ही ये सारे इंतज़ाम किए हैं। इसके अलावा जो हर पोलिंग पार्टी को एक मेडिकल किट भी दिए हैं और एक पैरामेडिक भी जो आपके लगातार एक सेक्टर में वो मोबाइल रहते हैं, अगर किसी की मेडिकल इमरजेंसी पड़े या उसकी ज़रूरत पड़े तो उसको कर सकते हैं। जैसे अभी आप भी देख सकते हैं एक दिव्यांग मतदाता है, एक दिव्यांग मतदाता जी लेते आ रहे हैं। सो इस तरह की हमें हर बूथ पे अब तो ये दिव्यांग मित्र जो है ये शायद पहली बार मैंने देखा है कि किसी पोलिंग बूथ पर डिप्लॉयड है। नहीं, ये हर केंद्र पे जो है आपके, ये हर केंद्र पे आपके डिप्लॉयड है और जो इस तरह की जो वरिष्ठ नागरिकगण है या दिव्यांग आते हैं जो चलने फिरने में असमर्थ है उनके मदद करने के लिए और कर रहे हैं। इसके हमारा मकसद ये है कि जो वोटर केंद्र में आते हैं उनको एक अच्छा अनुभव हो और आगे भी उनको, जैसे ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार है, वो एक अच्छा अनुभव लेके जाएंगे तो आगे भी इसमें उत्साह के साथ प्रतिभा करेंगे। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वाराणसी से मेरे कैमरा सहयोगी पवन के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया।